हाँ रिकॉर्ड हो रहा है सर। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आदर्श जी के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट। हमने लास्ट क्लास में आदर्श जी के साथ सीखा था कि वर्कबुक का यूज कैसे करते हैं, हम कैसे वर्कबुक को क्रिएट करते हैं, हम कैसे सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, राइट? राइट सर। अब चलिए क्या है, कल जो मैं बताया था कोड समझाया था, बस उस कोड का जो एप्लीकेशन है मतलब किसको कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे हमें सपोर्ट करेगा हमें काम को इजी करने में, कैसे पता चले। तो चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट, हालांकि ये प्रोजेक्ट कॉमन है, सबको पढ़ाता हूँ, कोई नई नहीं है, आपको भी पढ़ा रहा। बेसिकली मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर से मुझे डेटा निकालना होता। तो जनरली क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं डाउनलोड पे क्लिक करते हो, एक्सेल फाइल डाउनलोड कर देता है। लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग था, वो एक्सेल फाइल को डाउनलोड नहीं करता था। वो क्या करता था, एक्सेल फाइल में डेटा एडिट करता था। हमें बताना होता था कि मेरा इस लोकेशन में फाइल पड़ा हुआ है, बुक वन डेटा वन डेटा टू। तो जो डेटा वन डेटा टू जो फाइल सिलेक्ट करता था तो उसके अंदर जाके वो डेटा को डाल देता था, समझे? तो मुझे क्या करना है कि हमें हमने वहां पे एक फिक्स पाथ दे दिया था कि डेट के हिसाब से ऑटोमेटिक वो फाइल का पाथ पकड़ लेता। तो हमें एक फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे आज डेट है 29/6/2022, तो सबसे पहले एक ड्राइव में चूज कर लूंगा, फाइल फिक्स कर दूंगा कोई ड्राइव, जैसे मैंने ई ड्राइव को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ई ड्राइव के अंदर 2022 का फोल्डर है तो ठीक है, ठीक है सर, नहीं हो तो क्या करें, बना दे। अगर ई ड्राइव के अंदर 2022 का फोल्डर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो तो न्यू पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करें, ठीक है। फिर 2022 के अंदर जाए, महीना कौन सा चल रहा है, जून, मतलब कि 6, तो यहां पे एक और फोल्डर करें 6 नाम से। अगर है तो क्रिएट ना करें, नहीं है तो क्रिएट कर दे। फिर 6 को ओपन करें, आज की डेट 29 है तो 29 नाम का एक फोल्डर बना है तो ठीक है, बता रहा था भाई बना दे। फिर इसके अंदर आज की डेट जो है वो है 29 तारीख, तो एक एक्सेल फाइल को क्रिएट करे 29 नाम से या डेट के नाम से, ठीक है। तो आदर्श जी जब भी मैं रन करूं तो इस प्रोसीजर को कंप्लीट करें हर दिन, समझ गए कि हर दिन वो ई ड्राइव में जाके 2022 का फोल्डर बनाएगा, अगर है तो, नहीं है तो सॉरी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप करेगा। फिर उसके अंदर 2006 का फोल्डर बनाएगा, है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करेगा, नहीं है तो बनाएगा, नहीं तो स्किप करेगा। फिर उसके अंदर डेट के हिसाब से उसके डेट के हिसाब से फाइल बनाए। तो हमें करना क्या है, समझ में आ गया आपको आदर्श जी? यस सर। देखिए क्या होता है ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार कहां से होगा, तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, तो सोल्यूशन कहां से बना लेंगे, क्या सर? राइट सर, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। विजुअल बेसिक, और हम यहाँ एक नई मॉड्यूल्स को ओपन करते हैं और हम दो स्क्रीन कर लेते हैं ताकि कुछ बताना होगा तो एक्सेल पे हम बता दें। और यहाँ पे सब्जेक्ट आरआर ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब यहाँ पे हम देंगे अपनी कोड, आरआर कर दीजिए या फिर यहाँ पे कर दीजिए एफएलसी फाइल फोल्डर क्रिएशन, ठीक है। अब सबसे पहले सिस्टम का ईयर कैसे पता चले, एक्सेल में कैसे पता चलता है, एक्सेल में होता है टुडे का फोल्डर जो कि करेंट सिस्टम डेट निकाल के देता है। और मेरे पास एक फॉर्मूला है ईयर का जो इसमें से ईयर को अलग कर देता है, एक फॉर्मूला हमारे पास मंथ का है
जो इसमें से मंथ को अलग करता है, एक फॉर्मूला हमारा डे का है जो कि इसमें से डे को अलग करता है। तो ईयर, मंथ और डे, ठीक है। तो कैसे यहां पे कैसे करें, क्योंकि एक्सेल पे डे टुडे का फॉर्मूला नहीं होता, डेट का फॉर्मूला होता है। तो डेट अगर डालते हैं तो करेंट सिस्टम डेट देगा, लेकिन इस डेट में से मुझे तो चाहिए ईयर, तो हम यहां ईयर का फॉर्मूला लगाते हैं। ईयर का फॉर्मूला जैसा एक्सेल में होता है वैसा ही वीपीएम में होता है। पर प्रॉब्लम है कि जो ईयर 2022 आया वो स्टोर कहाँ होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो किसी न किसी लोकेशन पे लगाते हैं, जैसे C4, बट यहाँ कहाँ सेव होगा। तो यहाँ दो तरीके, या तो मुझे C4 का रेफरेंस देना पड़ेगा या फिर हम वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया वाई, तो वाई क्या हो गया, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना एक्स वाई जेड, मैथमेटिक्स में क्या होता है हमारा एक्स इक्वल टू 100 आपने कर दिया और हमने यहाँ पे एक्स प्लस 10 कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, 110 आएगा ना। तो एक्स को हमने ऐसे राइट सपोज कर लिया ना, सेम उसी तरह से राइट मैंने यहाँ पे वाई ले लिया, तो इसने वाई पे कर दिया, मुझे जहां भी ईयर की जरूरत पड़ेगी वहां हम वाई ले लेंगे। M इक्वल टू मंथ ब्रैकेट ओपन और यहां पे हमने डे, और D इक्वल टू डे और इसमें भी डे। समझ गए इतना। यस सर अब मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, क्योंकि अभी मैंने ऑटोमेटिक जो है सिस्टम से डेट ईयर मंथ को हमने पिक कर। अब यहां पे हम लगा रहे हैं फॉर्मूला एम के डी आई आर, एम के डी आई आर मतलब मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी ई ड्राइव के अंदर स्लैश 2022 कर दिया तो इसने 2022 का फोल्डर बना दिया। यहाँ पे देते हैं 0, यहाँ पे 6, तो 6 का बना। मतलब क्या होता है कि मेक डायरेक्टरी में जो लास्ट वाला जो लोकेशन होता है ना उसी को बनाता है। जैसे हमने 6 के अंदर हमने 29 कर दिया तो ये 29 कहीं बनाएगा, समझे। तो इसको 29 बनाने के लिए 6 का फोल्डर 2022 का फोल्डर होना चाहिए, इसलिए हमें एक एक करके फोल्डर बनाएगा। पहले 2022 का बनाएंगे, फिर 2022 के अंदर 2006 का, 6 का बनाएंगे, फिर 22 के अंदर 6 के अंदर 29 का बनाएंगे, समझे यस आदर्श सर जी। हाँ समझ गए लेकिन प्रॉब्लम ये तो फिक्स हो गया ना हमारे, इससे तो कनेक्टेड नहीं है, तो इससे कनेक्टेड कैसे होगा। तो इसके लिए हमें इसको ज्वाइन करना, ऐसे क्या होता है एक्सेल में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ई ड्राइव स्लैश लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ मुझे इन दोनों का लिंक करना है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एन परसेंट, इसको सेलेक्ट करेंगे तो 2022 आ जाएगा। फिर इसमें 6 करना है हमें, तो क्या करेंगे, इसके साथ एन परसेंट स्लैश देंगे, फिर एन परसेंट, फिर 6 को सेलेक्ट करेंगे ना, क्या सर। हाँ ये कॉन्कैटनेट हो रहा है ना। हाँ, तो सेम चीज यहां भी हम अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे एन परसेंट वाई, अगेन एन परसेंट स्लैश एन परसेंट एम, ठीक है, फिर ओके एन परसेंट वाई एन परसेंट स्लैश एन परसेंट एम एन परसेंट स्लैश एन परसेंट टी। समझे। तो हाँ ये बना देगा फॉर्मूला ईयर का, मंथ का, डे का, आप रन करके देख सकते हो, यहीं से रन कर सकते हो, F5 इसका शॉर्टकट होता है। तो रन कर दिया, तो यहां आप देखिए
ई ड्राइव के अंदर 22 का फोल्डर बन गया, 6 का, 29 का बन गया सर। सर MKDIR एक डायरेक्टरी क्या करता है कि एक न्यू फोल्डर ओपन करता है जो आप यहाँ पे वेरिएबल देते हैं, फोल्डर ओपन नहीं करता है, फोल्डर को क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? यस 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 एम के डायरेक्टरी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। फोल्डर क्रिएट किया ना क्या? तो वन बाय वन सबसे पहले 2022 का किया, फिर 2022 के अंदर 6 का किया, फिर 2022 के अंदर 6 के अंदर 29 का किया। ये डे इज इक्वल टू डेट दिया था ना, वो सिस्टम डेट के ऊपर लेता है क्या? जी हाँ, डेट क्या करता है, जैसे एक्सेल में टुडे का फॉर्मूला होता है ना, उसी तरह से डेट का फॉर्मूला होता है। तो डेट देगा सिस्टम, तो ईयर क्या करेगा, ईयर भी एक्सेल का फॉर्मूला है जो कि वीवी पे सपोर्ट करता है, इसमें से ईयर को अलग कर लेगा, जैसे 2022 को अलग कर देगा जैसे यहाँ पे किया हुआ है, मंथ जो है 6 को अलग कर देगा जैसे यहाँ किया हुआ है, और डे यहाँ 29 को अलग कर देगा जैसे 29 अलग किया हुआ है। तो वाई के मान हो जाएगा 2022, एम का मान हो जाएगा 6 और डी का मान हो जाएगा 29, और हर दिन चेंज होता रहेगा जैसे जैसे सिस्टम डेट आपका चेंज होगा। अब हम फाइल बनाते हैं, तो फाइल बनाने के लिखते हैं वर्क बुक्स .add.saveas, क्योंकि पता है कि सेव करना है तो डायरेक्ट सेव एज कर देता हूं ना, वरना मुझे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज करना पड़ेगा। तो सेव एज करना है तो कहां करना है, नाम और पाथ देना है ना, तो पाथ तो यही हो जाएगा ना क्या सर? करेक्ट, और नाम भी यही होगा, तो नाम के लिए स्लैश लगाना पड़ेगा ना, एंड and dot xls xls ठीक है ना। तो यहाँ पे दो बार आपने d डाला, हाँ इसलिए गलती, जैसे नहीं गलती से नहीं डाला, जैसे एक बार d यहाँ पे स्लैश किया और a आ गया हमारा 29 आ गया ना सर, करेक्ट। अब फिर वापस मुझे एक बार और एंड परसेंट और स्लैश डाल के फिर इस 29 को सिलेक्ट करना है, फिर एंड परसेंट डॉट एक्सएलएस एक्स, क्योंकि फाइल एंड फोल्डर नेम दोनों एक ही है ना, इसलिए दो बार डाला। देखिए 29 29 तो एक एक 29 फोल्डर बन जाएगा, एक 29 एक्सेल बन जाएगा। हाँ समझ गया ना। अब मुझे इसको अब फाइल ओपन हुई है तो इसको क्लोज करना होगा ना सर, वरना ओपन ही रह जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे अब जो फाइल एक्टिव है, जो एड हुई है वही एक्टिव होगा क्या सर? राइट, और क्लोज ठीक है। अब इसको रन करने से पहले आपको डी ड्राइव से पहले से बना हुआ फोल्डर को हटाना, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई ऐसा नहीं दिया हुआ है कि पहले से बना हो उसको स्किप कर। अब इसको रन, परफेक्ट रन है, मैसेज बॉक्स भी दे सकते हैं MSG बॉक्स जॉब इज डन, लेकिन किस में, इन्वर्टर को मामे ना, या कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, मैसेज तो अपने हिसाब से कुछ भी दीजिए यहाँ पे। अगर ऑलरेडी वो फोल्डर वहाँ पे है तो रिप्लेस कर देगा? नहीं रिप्लेस नहीं करेगा, अब एक बार बन गया ना सर, बन गया ना यहाँ पे देखिए 2022 6 29 और 29 नाम का फाइल आ गया। अब यहाँ तो पूछेगा भी नहीं, अलर्ट भी नहीं आएगा कि रिप्लेस करो कि नहीं। नहीं देखिए ना, जैसे इसको रन करेंगे आपको एरर देगा, एरर क्या दिया, फाइल पाथ एक्सेस एरर, क्योंकि डिबग जैसे करेंगे तो पहले पे पहुंच जाएगा। रीजन ये है कि आपका जो ड्राइव है या फोल्डर है एक नियम को फॉलो करता है कि एक नाम का दो फाइलें किसी भी कीमत पर नहीं बन सकता। तो ऐसा अगर होगा तो एरर देगा, अब मुझे रिप्लेस नहीं करना है ना। मान लीजिए कि मैं अगर 6 तारीख को क्या रिप्लेस कर दिया तो ये पूरा जून तक का जो डेटा बना होगा 2022 में वो सब रिप्लेस हो जाएगा ना। तो यहाँ रिप्लेस का सिस्टम ही नहीं करना है, तो हमें क्या करना है कि अगर जिस लाइन में एरर दिया उस लाइन को स्किप करा के अगले लाइन को रन करवाना है कि भैया अगर एरर आया तुम बनाओ ही मत, आगे बढ़ो।
एरर है, हाँ समझ गया एरर, आगे बढ़ो समझे। हाँ, यहाँ इफ एरर इनके डालना हाँ पड़ेगा ना, ऑन ऑन एरर, रिजल्ट, ऑन एरर, ऑन यस ऑन एरर, एरर ओके, रिज्यूम रिज्यूम नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस ठीक है। अब दूसरा वेरी कि मैं चाहता हूं कि फाइल का जो नेम है ना 29 ना दिखाए, एक डेट दिखाए। तो आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, तो डेट में प्रॉब्लम होगी क्योंकि डेट में होता है स्लैश, होता है ना इस तरह से, क्या सर? राइट राइट सर, और फाइल कहता है कि हम अपने नाम में किसी भी तरह का स्लैश नहीं ले सकते, समझे? तो अगर कोई डेट डला है तो अपने मनमाने ढंग से फॉर्मेट लाने के लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, टेक्स्ट कॉमा, और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग कि DD स्लैश MMM स्लैश YY। हाँ वो ये मैं ये मैं पूछने पूछने वाला वाला था था सर, सर, आपने आपने जो जो 26/6/2022 बोला ना, वो वो इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो जो हम हम यूज यूज करते हैं, करते हैं यू एस यूएस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूज यूज करते करते हैं, हैं, जहाँ जहाँ पे पे 06/29/2022 2022 डालो। डालो। तो हम क्या करेंगे, डेट को टेक्स्ट फॉर्मूले की तरह, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मूला VBA में सपोर्ट करता नहीं है, इसलिए हमें देना होगा फॉर्मेट का फॉर्मूला। तो जो डेट है ना, जहां पे हमने डी डाला था, उस डी के जगह पे आप फॉर्मेट फॉर्मूला और उसके अंदर डेट डाल दीजिए, तो आपका वो डेट का, रुको रुको चेक करो, समझे? राइट सर, अब मैं इसको सो रन करूँ, अगर 1 मिनट सर, अगर मैं ये अगर एम एम मैं डी 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 वाई 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 डालूँ डालूँ तो तो उल्टा उल्टा हो हो जाएगा जाएगा क्या? क्या? मंथ मंथ में में पहले पहले चाहिए चाहिए। मुझे। अब जैसा मर्जी डाले थे वो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे फॉर्मेट हाँ शो करेगा आपको, MMDD YY कर दीजिए, YY MMDD कर दीजिए, इसके अंदर जैसा कोड लिखेंगे वैसा बनेगा वो, आपका डेट डेट को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? वैसा नहीं कि आपने कर दिया MMDDY तो वो आपका 29 को मंथ बना देगा और 6 को डेट बना देगा, ऐसा नहीं है सर। अगर मान लीजिए कि आपका 10 जुलाई है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 7 अक्टूबर कर देगा, ये नहीं करेगा, वो 10 जुलाई ही करेगा, हाँ वो ही क्वेश्चन था मेरा, हाँ वही करेगा। क्योंकि वो हम ये MMDD वाई वाई फॉर्मेट यूज करते हैं हम ऑफिस में, और हाँ US यूएस फॉर्मेट। फॉर्मेट, ठीक है, हाँ डन करें। राइट सर, जॉब इज डन। देखिए अब पहले से इसमें फोल्डर बना हुआ था, उसने डिलीट नहीं किया उसको, उसको भी डिलीट नहीं किया, इसको भी डिलीट नहीं किया, अब देख रहे हैं यहाँ पे नया बना दिया मतलब इफ एरर नेक्स्ट, ओके राइट है, ठीक है। अब एक कोड मैं आपको सर, भेज रहा हूँ, सबसे पहले जैसा मैंने किया हुआ है ना सर, वैसा आपको करना है, राइट? हाँ और दूसरा इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, थोड़ा और कुछ इसमें नया ऐड कीजिए, सीट वगैरह ऐड कीजिए, कुछ और जो आता है उसको करने की कोशिश कीजिए और मुझे वापस भेजिए, कल हम बात करेंगे इस पर। अरे सर, नहीं नहीं समझ नहीं, आपको क्या मॉडिफिकेशन चाहिए अभी? आप अपने हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन कीजिए इसमें ना, कुछ और इम्प्लीमेंट कीजिए इसमें, क्योंकि जैसा मैंने वैसा हाँ नकल कर लोगे तो फिर वही हो गया ना, इसमें कुछ चेंजिंग करोगे तब समझ में आएगा ना। हाँ समझ गया मैं, समझ गया, इम्प्रोवाइजेशन 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 चाहिए ना चाहिए ना आपको, आपको, जी जी कर दूंगा।